ये सोचो मेरे साथ ये लाइफ में ना फर्स्ट टाइम इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इस बाइक को लेके ही मैं लद्दाख जाऊंगा, इस बाइक को लेके मैं ऑल इंडिया राइड पे जाऊंगा। सब कुछ खत्म हो चुका था जब मेरी बाइक खत्म हुई ना, तो उसके साथ ही मेरा सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं सच में बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मेरे को रोना आ गया। मतलब यार मेरा पैसा टाइम सब कुछ बर्बाद हो गया है यार, बहुत ज्यादा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये चेक करो, पहले तो आज का ब्लॉग अपनी रोजर पे स्टार्ट हो रहा है। रोजर पे स्टार्ट होने का मेन मकसद ये है बिकॉज अपनी बाइक बहुत दिनों से, अपनी वेवो ड्यूक 250 बहुत दिनों से ख़राब हो रखी थी, तो कहीं ना कहीं बनने को दी थी, मैंने बनाने को दी थी बाइक अपनी, बट वो बहुत दिनों से बन के नहीं आ रही थी। जिसे बनाने को दी थी भाई, उसने कल बन जाया, कल बन जाया, कल बना दूंगा, कल बना दूंगा, कल बना दूंगा करके मतलब इतना टाइम मेरा वेस्ट कर दिया ना भाई, यकीन नहीं मानोगे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ अपनी बाइक को लेके भी और अपनी लाइफ को लेके भी। मतलब टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही हर दिन टेंशन पड़ती है पता है यार। मतलब उसने अभी मेरे पे कुछ नहीं तो एक महीने से प्लस होने जा रहा होगा, वो उस बंदे ने मेरे को बाइक बना के नहीं दी यार। मैं सही बताऊं तो इतना परेशान हो चुका हूँ ना, इतना परेशान। एक तो यार अपनी बाइक को अपने से दूर कभी रखता नहीं था, अब ऐसा टाइम पड़ा ना मेरे सामने कि यार मैं मतलब परेशान हो गया हूँ। मेरे सामने ऐसा मैं मजबूर हूँ, मतलब अब मैं मजबूर हो गया हूँ कि तो करूँ तो करूँ क्या। मतलब यार मेरा पैसा टाइम सब कुछ बर्बाद हो गया है यार, बहुत ज़्यादा। और टेंशन अलग भाई, इतनी टेंशन लाइफ में ना आज तक मैंने कभी नहीं फेस करी जो मैं अब फेस कर रहा हूँ भाई। इतनी टेंशन, इतनी टेंशन, टेंशन से ये यकीन नहीं मानोगे भाई, खाना पीना चैन नींद सांसें सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। मतलब यार टाइम से मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ, लेट नाइट मेरे को जल्दी नींद भी नहीं आ रही, इसी चक्कर में कि बाइक कब सही होगी, कैसे सही होगी, सही होने के बाद क्या होगा। मतलब यार बहुत सी टेंशनें होती है। कभी तुम्हारे साथ अगर ऐसा टाइम आया होगा तो शायद तुम्हें ये पता होगा, और वैसे तो खुदा ना खास्ता कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो। इसी चक्कर में पता मैं बहुत टाइम से कंटिन्यू ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे तो जैसे तैसे करके अपना जितना एफर्ट लगा के मैं कर रहा हूँ, जितना कर सकता था मैं कर रहा हूँ, बट यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा भी होता है ना, जब अपनी बाइक अपने साथ में नहीं होती है तो ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं होता है। तो मैं अभी जितने दिन भी कंटिन्यू रहा हूँ अपनी बाइक के बिना, तो सोच लो मजबूरी में रहा हूँ। मतलब बिना मन के मैं ब्लॉग बनाने जा रहा था, बिना मन के मैं ब्लॉग बना रहा था, सब कुछ बिना मन। यहाँ तक कि मैं इंस्टाग्राम में भी अपनी रील्स में पहले कंटिन्यू अपलोड करता था, बट अभी जब से मेरी बाइक मेरे साथ में नहीं है तो मैं भी यार बहुत ज़्यादा ढीला पड़ चुका, ढीला मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो चुका हूँ। तो इस चक्कर में मैं कहीं भी कंटिन्यू नहीं रह पा रहा हूँ। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया अपनी लाइफ में ना, अपने काम धंधों में भी कंटिन्यू नहीं रह पा रहा हूँ। मैं दुकान पे भी, मेरी शॉप है तो मैं दुकान में भी बैठता हूँ ना, तो वहाँ भी मेरा कहीं ना कहीं माइंड मेरे बाइक की तरफ जाता है कि यार बाइक कब सही होगी, कैसे सही होगी। तो यार यकीन नहीं मानोगे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। तो आज हम उस बाइक को लेने जा रहे हैं, बिकॉज सीन ये हो रहा है कि हमने जैसे बनाने को दी थी वो भाई नहीं बना पा रहा। तो यार मैं कहीं ना कहीं फैसला ले रहा हूँ कि बाइक एजेंसी मतलब शोरूम में ही देखी जाए, एजेंसी से ही सही करवा लूँ। बिकॉज यार एजेंसी का ये है कि आज नहीं तो कल सही होगी, अच्छे से सही होगी। थोड़ा पैसा हाँ मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बट कहीं ना कहीं एकदम जेन्यून पार्ट्स और जेन्यून गाड़ी ठीक होगी। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा पैसा इन्वेस्ट होता है तो कहीं सब कुछ मेरे को प्रॉपर और अच्छा मिलने वाला है। तो इस चक्कर में भी एक मेरा ये भी मेन मकसद था कि मैं कहीं ना कहीं एजेंसी से कराऊं सर्विस, क्योंकि बाहर से कराते हो बंदा कितना भी तुम्हारे जेन्यून बंदा हुआ भी ना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कल्टी कर ही जाता है यार। तो उस चीज़ का भी डर लगा रहता है। एक तो इंजन का वर्क होता है ना यार, अगर कभी तुम्हारी गाड़ी में ना इंजन से रिलेटिव कोई भी वर्क कराना हो ना, तो हमेशा मेरी मान के चलो कि एजेंसी से ही कराना, बिकॉज एजेंसी पर भरोसा रहता है कि थोड़ा हमेशा पार्ट्स जेन्यून पड़ेंगे। हालांकि मैं मान सकता हूँ कि एजेंसी में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, मैं तो मान के चलो अगर यार इंजन का काम हो तो हमेशा यार ये बात याद रखना कि पार्ट्स हमेशा ओरिजिनल ही डालना, बिकॉज यार ओरिजिनल नहीं डालोगे तो वो इन फ्यूचर फिर से वो प्रॉब्लम आ सकती है। भाई सच बताओ ना यार, अपनी लाइफ में जब जब मैं जो जो चीज़ करना चाहा ना यार, वो चीज़ ने मेरे साथ हमेशा साथ छोड़ा, हर एक चीज़ ने मेरा साथ हमेशा छोड़ा। मतलब यार मैं जिस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा कर लूँ ना, वो मेरा साथ छोड़ के ही जाती है, वो चाहे बाइक हो चाहे इंसान हो, वो मतलब यार धोखा दे के ही जाती है यार। अभी एक मैं अपनी लाइफ में ना क्या बताऊँ तुम्हें, ऐसा टाइम चल रहा है ना, ये टाइम तो भाई मैं चाहता हूँ कि कभी किसी के साथ ना चले। मतलब यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपना पैसा भी चला जाता है और वो पैसा भी दे दो फिर भी वो काम नहीं हो पाता है, तो यार सोच लो कि कैसा लगता है कि यार पैसा देने के बाद भी अगर वो काम ना हो तो यार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल में ठेस लगती है, मतलब दिल को चोट पहुंचती है। सेम अभी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मतलब यार सब कुछ सुन सा हो रखा है, मतलब क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में। ब्लॉग भी कैसे रेडी रखूँ, कैसे कंटिन्यू रखूँ अपने ब्लॉग भी यार, जब मेरे साथ मेरी बाइक ही नहीं है।
एक बाइक पे ही तो भरोसा किया था लाइफ में यार उसकी, जब से मैं अपनी लाइफ में मैंने वो संभाला, जब से मैंने ये ब्लॉगिंग करी तो उसके बाद मैंने अपना बाइक को ही सब कुछ मान लिया था। मैं अपनी बाइक और अपने बीच कभी किसी को आने नहीं देता था। उस समय पे ऐसा भी होता था जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाता था ना और मेरी बाइक के लिए कोई कुछ भी कर देता था, क्योंकि जब मैंने ये बाइक अपनी रैप करवाई थी ना नियॉन कलर में ड्यूक 250, तो सीन ये हुआ था बहुत से लोगों ने मेरे को मतलब सजेस्ट किया कि ठीक कराइए, बट बहुत से लोगों ने मेरे को डिमोटिवेट भी किया कि यार ये तुमने नियॉन कलर बहुत गंदा कलर करा दिया, छपरी हो जैसा कलर करा दिया, या भयंकर ये तो निब्बे कराते हैं छपरी कराते हैं, मतलब ऐसा, मतलब यार यकीन नहीं मानोगे तुम, बहुत सी जगह से मेरे को हेट्स भी मिला, लोगों ने मेरे को हेट करा कि यार ऐसा कैसा कलर करा दिया। तो मैं यार वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ यार। मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि यार मेरी गाड़ी मेरी पसंद सब कुछ मेरा पैसा मेरा यार, तो तुम कौन होते मेरे लिए ये गलत बोलने वाले। अगर तुम यार मेरे को मोटिवेट भी नहीं कर सकते तो मेरे को डीमोटिवेट भी मत करो। मैंने बहुत से लोग देखे हैं ना यार, मैं मतलब ब्लॉग बनाता हूँ तो मेरे जो लोकल के लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो अभी जब मेरी बाइक स्टार्टिंग में ख़राब हुई थी ना भाई, तो वो ख़राब भी इसी चक्कर में हुई थी क्योंकि मैं ब्लॉग बना रहा था, ब्लॉग बनाते ही बनाते मेरी बाइक हो गई ख़राब। तो सीन ये हुआ जब मैंने वो ब्लॉग डाला यूट्यूब में, तो मेरे लोकल के लोगों ने जिसने जिसने मेरी बाइक वीडियो देखी ना वो जो ख़राब वाली कि ऐसे ख़राब करती, तो लोगों ने मेरे को पता बहुत कमेंट करी, मतलब पर्सनली कमेंट करी। मेरे कमेंट बॉक्स में जाके किसी ने कुछ नहीं बोला, सब मेरे को पर्सनली कमेंट आए, बोले तुमने बाइक का ये कर दिया और हीरो बनो और करो, मतलब मुँह पर हंसने वाले यार कसम से। उस समय ना ऐसा हो रहा था कि बस मैं अपने समय का इंतजार कर रहा था कि मेरे को पता है कि इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, इसका जवाब मैं समय पर दूंगा। मैं अपने समय का इंतजार कर रहा था, वो समय अभी भी नहीं आया यार, फिलहाल पता नहीं कब आए। और मतलब उन लोगों ने मैं बताऊं तुम्हें यार इतना डीमोटिवेट कर दिया था मुझे हर चीज़ को लेके। मैं जब भी अपने कभी भी बाहर भी निकलता था ना तो लोग पर्सनली आके भयंकर बोलने वाले हुए, अरे इनने तो अपनी बाइक ये कर दी, अरे इनने तो अपनी बाइक ये कर दी, अरे इनने वीडियो बना हीरो बनने के चक्कर में अपना इतना करवा लिया, ऐसा करवा लिया, वैसा करवा लिया। मतलब यकीन नहीं मानोगे यार भाई, इतना ज़्यादा लोगों ने मेरे को ऐसा कर दिया था ना। एक तो सीन ये हुआ यूट्यूब में भी उस समय थोड़ा डाउनफॉल चल ही रहा था, और फिर ये लाइफ में अलग से एक डाउनफॉल आ गया था। तो यकीन नहीं मानोगे मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका था जब मेरी बाइक ख़त्म हुई ना, तो उसके साथ ही मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। बट यार वही कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, बस उसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ कब मेरी बाइक मेरे सामने खड़ी हो और मैं लोगों को फिर से ब्लॉग कंटिन्यू बना के दिखाऊँ। फिलहाल अभी जाते हैं उसकी दुकान पर, देखते हैं क्या रहता है सीन। भाई ये है अपनी बाइक, सच बताऊं आज इसको करीब कुछ नहीं तो मैं एक महीने बाद देख रहा हूँ ना यार, दिल में थोड़ा सा रोना भी आ रहा है कि ऐसी हालत में है मेरी बाइक, और थोड़ा सा खुशी भी हो रही है कि बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ अपनी बाइक को। बट यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन भी है कि यार मेरी बाइक आज मैं सच में बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मेरे को रोना आ गया। मतलब यार सच बताऊँ मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ, बट अंदर से ऐसा रोना जैसा हो रहा है, मतलब आवाज़ से ही पता चल गया होगा यार क्या करूँ। अपनी बाइक आज देख के ना दिल खुश भी हो गया और दिल रो भी रहा है कि यार किसी टाइम मैं इस बाइक को लेके इतना खुश था, जो थी ये मेरी बाइक थी, मैं इस बाइक से ही दौड़ा करता था, बाइक को कहीं भी जाया करता था ना, अपनी इस बाइक को ले जाया करता था। बट आज ये ऐसी हालत में है ना, और आज इतने दिनों बाद देख रहा हूँ ना अपनी बाइक को, भाई मतलब मत पूछो यार कैसे क्या हो गया लाइफ में। फिलहाल देखो ये है अपनी बाइक का इंजन उंजन सब कुछ खुल रखा था, और बहुत दिनों से खुला था भाई, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी यार कसम से, मैं क्या बताऊं तुम्हें। बट कोई नहीं, जल्दी से बन के आएगी, कमिंग सून आने वाली है तगड़ी वाली। इसके बाद इस जब बन के आएगी ना तो इस बार कुछ ज़्यादा अपडेट करके लाने वाला हूँ, फिलहाल ब्लॉग में बने रहो, एक बॉम्ब सा बम फूटने वाला है मतलब आने वाले टाइम में। एंड इस बाइक को लेके ना यार सच बताऊँ बहुत सारे ड्रीम्स थे मेरे साथ कि कभी इस बाइक को लेके ही मैं लद्दाख जाऊँगा, इस बाइक को लेके मैं ऑल इंडिया राइड पे जाऊँगा। बट आज इसने मेरा साथ ऐसे छोड़ दिया ना, मतलब कभी रिश्ता था ही नहीं हमारा, ऐसे छोड़ दिया भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। मतलब यकीन नहीं मानोगे इतना टेंशन में ना इसे देख के, मतलब इस पे भरोसा था कि ये कभी साथ नहीं छोड़ेगी, ज़िंदगी साथ छोड़ जाए बट ये साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन यार एट लास्ट होता वही है, जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लो तो साथ सबसे पहले वही छोड़ता है। तो अभी भी मेरे साथ सजेस्ट यही हुआ, इस पे जिस सबसे ज़्यादा भरोसा किया कि ये मेरे को ज़िंदगी के उस मुकाम तक ले जाएगी कि जहाँ तक मैंने सोचा भी नहीं होगा, बट ये आज साथ छोड़ गई। बट कोई नहीं, ये साथ छोड़िए बट मैंने नहीं छोड़ा, तो इसे मैं सही कराऊंगा। बाकी आगे देखना है कि क्या रहने वाला है सीन, कुछ नहीं पता है आगे, अभी तो बस
फर्स्ट प्रायोरिटी ये दे रखी है मैंने कि इसे जैसे तैसे कुछ भी करके मेरे को सही कराना है, इसको जल्दी से जल्दी सही कराना है ताकि तुम्हारे लिए ब्लॉग ला सकूं और अपने लिए ब्लॉग ला सकूं। क्योंकि सबसे मस्ट है, जब तक बाइक नहीं होगी तब तक ब्लॉग नहीं होंगे। तो जैसे तैसे अरेंज करके मैं कर भी ले रहा हूं, बट यार कहीं ना कहीं कभी कभी टेंशन में भी आ जा रहा हूं कि ये क्या हो रहा है यार, मैं अपने ब्लॉग ही नहीं ला पा रहा हूं कंटिन्यू। मतलब लाइफ में क्या चल रहा है, कब चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जब से बाइक गई है ना तब से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में चल क्या रहा है। जो चल रहा है बस ऐसे धक्का प्लेट चल रहा है कि हाँ स्लोली स्लोली चलने दो। मतलब ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं हो रहा है, और एक मन कर रहा है ब्लॉग बनाओ, एक मन कर रहा है ब्लॉग मत बनाओ। तो यार मतलब असमंजस में हूँ अभी इस समय में, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, माइंड काम नहीं कर रहा भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है मतलब। और अभी बाइक को देख के ना जैसे इस हालत में फिर से रोना आ गया। मैं फर्स्ट दिन तो मैं नहीं रोया था, बट आज सच बताऊँ ना यार मतलब आवाज़ ऐसी हो गई थोड़ा सा रोने टाइप की, क्या करूँ, सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैं मतलब सहन नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़ में। इस चक्कर में मैं फ्रंट कैमरे से अपनी वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं रो रहा हूँ। क्योंकि मैं जब एडिट करूँगा ना तो मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो को दोबारा से देख। ये सोचो मेरे साथ ये लाइफ में ना फर्स्ट टाइम इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट एक्सीडेंट जो भी कहो फर्स्ट टाइम हुआ है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ मेरी लाइफ में ऐसा भी होगा कि जिसे लेके मैं इतना सोच रहा हूँ वो मेरा साथ बहुत जल्दी छोड़ जाएगी, और ये मेरा साथ बहुत जल्दी छोड़ गई। बट कोई नहीं यार, लाइफ में ना अप डाउन चलते रहते हैं। लास्ट में यही कहूँगा कि लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं। इन अप डाउनों को देख के अगर तुम अपनी लाइफ में ना अगर ज़्यादा सैड होते हो या कुछ गलत कदम उठाते हो ना तो वो गलत बात है। ये लाइफ में चलते रहते हैं, इसको टेंशन में लेने की बात नहीं है। ये मुझे पता है कि ये चीज़ टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि कभी गाड़ी ख़राब होती है। बस मैं इस चीज़ से पॉजिटिव रहता हूँ ना कि गाड़ी चलते समय गाड़ी गिरी नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, गाड़ी ख़राब हुई आराम से, साइड मैंने गाड़ी खड़ी करी, नॉर्मल था, कुछ दिक्कत नहीं हुई, बस गाड़ी ख़राब हुई। मैं इस चीज़ से पॉजिटिव हूँ कि वो एक्सीडेंट नहीं हुआ। जो रुपया इसमें लग रहा वो मुझ में नहीं लगा, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तो कहीं ना कहीं गॉड का मैं थैंक यू कहता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी हो सकता था लाइफ में, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, कोई पता नहीं कब क्या हो जाएगा। बट कोई नहीं यार, चलो चलता रहता है लाइफ में। एक अभी से फ़िलहाल हम यहाँ सही नहीं हुए तो एजेंसी दे रहे हैं। फिलहाल तो मैं बता दूँ, कभी भी इंजन का काम होना तो मैं तुम्हें दोबारा से बता रहा हूँ ये चीज़ कि इंजन का काम हमेशा से एजेंसी से कराना बेटर रहेगा, क्योंकि जेन्युइन पार्ट्स पड़ेगा, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है बट पार्ट्स हमेशा जेन्युइन पड़ेगा। भाई ये देखो अपनी बाइक KTM शोरूम सर्विस के लिए दे दी है, सर्विस नहीं मतलब KTM शोरूम में दे दी है, और गाड़ी का पूरा हालत ख़राब हो रखी थी। आधा पार्ट्स इसका इसमें रखा है, इंजन का बंद दिया था, और आधा पार्ट ये देखो इसमें लेके आया, मतलब दो टुकड़ों में अपनी बाइक को लेके आया हूँ मैं, और आज छोड़ के जा रहा हूँ इसे बेबो। मिलते हैं, कल मिलेंगे हो सकता है। बाय, आई लव यू।